वीडियो देखने वालों, हाइप वर्सेस ओवर हाइप के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ऐसी जगहों का क्या होता है, ऐसे जगहों को प्यार करने वाले भी होते हैं और हेट करने वाले भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जाकर पैसा बर्बाद है, कुछ कहते हैं कि पूरा पैसा वसूल है। तो हम ऐसी ही जगहें कवर कर रहे हैं और मैं अकेला नहीं कर रहा, जो कैमरे के पीछे आप मेरे व्यूअर्स हो वो हम बुलाते हैं रिव्यू करने के लिए। देखिए मेरे पीछे सारे हैं, चलिए आज कहाँ आए हैं दिखाते हैं, लेट्स गो। मैं हूँ इस वक्त पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के सामने, हाजी मोहम्मद हुसैन। जी हाँ, इनका जो मुर्गा है फ्राइड मुर्गा, वो कहा जाता है कि इनके सामने KFC भी फेल है। जी हाँ, आज आपके जैसे व्यूवर्स हमें बताएंगे फेल है या पास। चलिए मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट से पूछते हैं कि यहाँ पर ये आए हैं या नहीं। सबसे पहले मैम है, मैम आप यहाँ पहले आई हैं या नहीं? हाँ जी मैं आई हूँ। आप आए हो? आप आई? यस सर, आ रहा हूँ मैं। आप? नहीं मैं यहाँ पे कभी नहीं। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम ऑन दिस वन। आए हैं, पहले आए? आप आए हो? फर्स्ट टाइम। तो देखिए तीन चार ही लोग आए हैं, बाकी सब फर्स्ट टाइम आए हैं। और ये सारे लोग वही हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं, स्क्रीन के पीछे होते हैं, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, ये सारे आप जैसे लोग हैं। और इनका जेन्युइन रिव्यू लेंगे, ये बताएंगे कि ये जगह पास है या फेल। तो देखिए मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। ये देखिए सामने हाजी मोहम्मद जी सामने इस वक्त चिकन तैयार करते हुए, ये इस एज में भी यही इस बिज़नेस को संभालते हैं। और देखिए ये सामने बड़ी सी कढ़ाई है, इसमें मुर्गे तले जा रहे हैं। सामने देखिए बिल्कुल सजे हुए हैं, पीछे मैरिनेट हो रहा है, ये इनका सेटअप है। आप जैसी दुकान पे आएंगे आपको ये मुर्गों की एकदम कह लीजिए मुर्गे सजे हुए आपके बिल्कुल सामने यहाँ पे मिलेंगे। और पीछे दिखाता हूँ मैं आपको इनका सिटिंग स्पेस है। तो लीजिए ये इनका जो ग्राउंड फ्लोर का सिटिंग स्पेस है, ये देखिए ये फैमिली सिटिंग स्पेस है। और ऐसा ही एक सिटिंग स्पेस अपस्टेयर्स है, आइए वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो लीजिए ये अपस्टेयर्स है और यहाँ पे AC लगा है, आप आराम से AC में बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं। हाजी मोहम्मद हुसैन जी हमारे साथ हैं जी। इतना नाम सुन के आए हैं, क्या प्यार बांट रहे हो, इतना प्यार करते हैं आपको लोग। मैं क्या करें भाजी, मुझे 48 साल हो इसको काम को करते हुए। अच्छा, कभी आठ दस आने स्टार्ट करा है और आज ऊपर वाले ने ऐसी सुनी है। 48 साल उम्र है मेरी, 280 की। 48 साल के अंदर अब ऐसी सुनी है जो मालिक का शुक्र है, वर्ल्ड में नाम है। और क्या क्या आप सर्व करते हैं, क्या क्या रहता है खाने में आपके पास? बस सिर्फ फिश फ्राई है और चिकन फ्राई है मेरे पास। चिकन फ्राई है? और चिकन फ्राई तो लोग कहते हैं वो जो वर्ल्ड का KFC है ना, उससे भी बढ़िया, KFC से भी बढ़िया आपका। ऊपर वाले की मेहरबानी है जरा, मेरी कोई नहीं है, जब चाहता है जब ही अल्लाह आपको चाहा। और अब थोड़ा सा पूछेंगे, ज़्यादा नहीं, आपका सीक्रेट नहीं पूछेंगे, ये जो आपका चिकन मैरिनेट करते हो, थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शकों को कि कैसी मैरिनेशन रहती है इसकी, वो क्या चीज़ होती है? ये जो आप चिकन को तैयार करते हैं ना, कैसे करते हैं ये, कौन से मसाले वगैरह इस्तेमाल? इसके मसाले यही है हमारे पास, नमक मिर्च यही मसाले हैं। और कितनी देर इसको अपने इसमें घोल के रखते हो आप? इसमें हाथ के हाथ लगाते हैं, हाथ के हाथ बेचते हैं, हाथ के हाथ बेचते हैं। अच्छा एक और चीज़ पूछता हूँ, रोज के कितने बिक जाते हैं? बस ये ना पूछो, बस मालिक का शुक्र है पेट भर जाता है आराम से। हाँ ठीक है अंकल, ये दुकान के टाइमिंग्स क्या रहते हैं, कितने बजे खोलते हो, कितने बजे? 2 बजे से रात को 11:30 तक, 12 बजे तक, ये सरकारी अलाव है। अच्छा थैंक यू। तो लो जी ये गए जी, यहाँ पे ये नमक लग रहा है, नमक है भैया जी जी। तो ये देखिए आपके सामने मैरिनेट होते हुए, और ये ऊपर जो लिक्विड डाला ये क्या था? लहसुन का पानी है। किसका? लहसुन का पानी। लहसुन का पानी। अच्छा ये देखिए ये लहसुन का पानी डाला गया, नमक डाला गया और उसमें इसको अच्छे से मैरिनेट किया जा रहा है। ये देखिए ये लीजिए ये मसाले जाते हुए, अरे वाह, ये देखिए ये बेसन रहता है जी, बेसन का पेस्ट, बेसन का पेस्ट है।
और इसमें भी मसाले रहते होंगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये प्लेन सिर्फ पेशन कैसे लीजिए। ये देखिए, ये अच्छे से पहले मैरिनेट कर लिया जाएगा। इसको मिलाने के बाद करेंगे डालेंगे इसको, फ्राई कर देते। थोड़ी देर रखते हो इसको अच्छे से मसाले रचने के लिए या सीधा ही फ्राई कर देते? नहीं, हाथ के हाथ कर देते हैं। हाथ के हाथ ही कर देते हो? इसका जो है ना थोड़ा कच्चे मसाले चक्के देखो आप। तो हमारे दो भाई लेट हो गए हैं। अब ये बताओ, पहले यहाँ पे आए हो? मैं नहीं आया कभी। नाम सुना है? नाम सुना है मैंने, अभी नहीं आया। और मजा आने वाला है? ठीक है, आप ये रश देख के लग रहा है कि मजा आने वाला है। मजा आने वाला है, चलो ऊपर चलो, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको दो सिटिंग स्पेस दिखाए थे, एक ऊपर और सिटिंग स्पेस है। जी हाँ, टोटल तीन सिटिंग स्पेस है, दो एसी वाली है, एक नॉर्मल है। तो हमारे गेस्ट बिल्कुल सेट हो चुके हैं। भाई क्या इंतज़ार कर रहे हो, ठंडा हो जाएगा, अटैक करो जी। हमने फिश और इनका फ्राइड चिकन मंगवाया है। लो जी, मैं और लो जो उठा 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 उठ, यहाँ पर यही स्टाइल है। आहा, और इनकी चटनी भी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की लग रही है। ये लो जी, उठाओ चटनी, मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो लीजिए, शुरू किया आपने? आप मेरे को ये बताओ, आप कहीं इंडिया के बाहर सेटल्ड हो इस वक्त? हाँ सर। कहाँ पे? लॉस एंजलिस, यूएस। और यहाँ कितने टाइम के लिए आए हुए? मैं यहाँ 3 मंथ्स के लिए आया हूँ, अभी मई में आया था, अभी अगस्त तक हूँ मैं यहाँ पर। अरे वाह, तो इसी बहाने हम मिल लिए। ठीक है जी। अब ये बताओ, जैसे ये वहाँ यूएस में ऐसा मुर्गा मिलता है? नहीं, इतना फ्रेश नहीं। और ये जो दिल्ली में अभी तक आपने खाए में, उनमें कैसा लगा ये आपको? ये अच्छा है एक्चुअली, काफ़ी अच्छा है, मॉइस्ट है। अच्छा, बढ़िया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं वहाँ फ्राई होते हुए देख रहा था तो मुझे लग रहा था। आप बताइए मैम, आपने ये तो पहले खाया हुआ है? हाँ जी, खाया हुआ पहले के मज़े में। और अब क्या सेम है या कोई फ़र्क आपको दिखता है? नहीं, टेस्ट सेम है, स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे अंकल आपने देखा, मैरिनेशन करते हैं एकदम अंदाजे से, कोई फिक्स नहीं है कि ज़्यादा डालना है कम डालना है, कुछ है अंदाजे से। कहते हैं ना, हाथ में शफा होती है, बस वही है उनके हाथ में। जो इतने सालों से सेम टेस्ट वो दे रहे हैं हमें, ऊपर से जो मसाला डाला इन्होंने वो तो आपको पता ही है, चांदनी चौक का और ये सब यहाँ हमारी ओल्ड दिल्ली का फेमस ही है। टेस्ट बहुत अच्छा है, बस चिकन मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा, बाकी टेस्ट और स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैम ने एक बोला हमारी दिल्ली का, तो मतलब पुरानी दिल्ली का कितना मतलब अपनापन था लगता है जब कोई ऐसे बोलता है, मतलब आपको अपनापन लगा यहाँ पे आके? दिल्ली बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आके अपनापन लगता है, जबकि इतनी भीड़ में भी हम शूट कर रहे हैं, कोई अलग सा नहीं लगा कि अजीब सा लग रहा है कि अब कभी कहाँ आके शूट कर रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा लगा, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं कि फीमेल्स के लिए आप बोलो कि प्रॉब्लम है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह सेफ ही लगता है। हमारी दिल्ली तो हमारी दिल्ली ही है, दिल्ली जैसा कोई जगह नहीं है। थैंक यू सो मच। आइए अब हमारे, अरे आपका हाथ खाली है, ये क्या बात है? आज हम नए नए गेस्ट जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे बात करते हैं। आप बताओ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और दूसरा सारा खेल मसालों का है, देखो बहुत टेस्टी है। मैं द्वारका में भी खा चुका हूँ ऐसी फिश, बट यहाँ की फिश एकदम अलग है। और मुर्गा खाया आपने? मुर्गा नहीं खाया, वो आगे चला गया मुर्गा। अभी और मैंने मंगवाया है, वो थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है तो आ रहा है। तो लीजिए, हमें चाहने वाले भी यहाँ मिले हैं, और इन छोटे छोटे फूडी से पूछते हैं, यहाँ पहली बार आए हो आते रहे? नहीं, पहली बार ही आया। पहली बार आया? हाँ। ठीक है, आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? आपका नाम? आयुष्मान सिंह। सॉरी, आयुष्मान सिंह। आयुष्मान सिंह, आयुष्मान सिंह। और आपका? अलंकृत सिंह। अलंकृत सिंह, अरे वाह। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, मतलब ये ऐसा है कि आप दोबारा आना पसंद करोगे? हाँ। आपको कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा। दोबारा आना पसंद करोगे? हाँ करूँगा। यहाँ से ज़्यादा आपसे मिलने उससे उसकी ज़्यादा खुशी है। ये बात भी है, हमें भी बड़ी खुशी मिलती है ऐसे मिलते ना। सामने थे हम तो वहाँ पर देखा कि आप हैं, तो फिर स्पीड में हम यहाँ पे आए कि कहीं आप निकल ना जाए, फिर हम बाहर चले गए आगे की तरफ, तो कह रहे नहीं उनके साथ जाना है, एक बार देख लेते हैं, हो सकता हम भी मतलब मिल जाए दोबारा से। थैंक यू, थैंक यू।
तो हम रजत से बात करते हैं, ये हमारे गोलगप्पा चैंपियन हैं। हमने बहुत साल पहले वीडियो बनाया था गोलगप्पा कंपटीशन, वहाँ इन्होंने 50 से ज़्यादा गोलगप्पे खा के जीता था वो कंपटीशन। तो इनसे पूछते हैं, रजत यहाँ आप, मैं भूल गया कि आप यहाँ पहले आए हो या पहली बार आए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अभी आपने क्या ट्राई किया यहाँ पे? अभी यहाँ पे मैंने इनका फ्राइड चिकन ट्राई किया है। कैसा लगा? अगर सही बताऊँ तो जो ऊपर मसाला है उसकी वजह से टेस्ट है, अगर जहाँ पे मसाला नहीं है वहाँ पे बिल्कुल प्लेन सा टेस्ट है, कुछ मतलब वाव वाला। और इनकी चटनी बिल्कुल अलग है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? चटनी बिल्कुल रंग अलग है, थोड़ी सी खट्टी है और मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्पाइसी है, बाकी अदरवाइज अगर आप चिकन के साथ खा रहे हो तो टेस्ट बहुत बढ़िया। भाई आप पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार ही आए हो ना? कैसा लगा? मज़ा आ गया, ऐसा फ्राइड चिकन कहीं नहीं खाया मैंने। बाड़े इंदुराओं में भी बहुत जगह ट्राई करा, द्वारका में भी करा, पर ऐसा फ्राइड चिकन नहीं खाया। सबका फीका फीका लगता है, इनके में मसाले का स्वाद अलग ही आ रहा है, बिना चटनी के भी मज़ा आ रहा है। चलो जी, फैसले की घड़ी आ गई है। सर आपसे मैं बात नहीं कर पाया, आपको कैसा लगा? हाँ ठीक, तमाम इतना भाव नहीं था, इतनी दूर सिर्फ ये खाने के लिए मैं स्पेशली नहीं आऊँगा। अच्छा नहीं है, अब ये बताओ पास या फेल? पास। पास है, पास, वैसे पास है, वैसे पास है, बट इतनी दूर आने लायक नहीं है। पास या फेल? पास। पास या फेल? फेल, फेल। चलो एक फेल आया। पास, पास। पास या फेल? सर वन टाइम के लिए ठीक है, वन टाइम के लिए ठीक है। पास या फेल? पास, पास। पास या फेल? चिकन फास, फिश फेल। अच्छा, पास या फेल? वन टाइम एक्सपीरियंस। पास या फेल? पास, पास, पास। तो देखिए इतने सारे लोगों ने, एक दो को छोड़ के सब ने बोल दिया है पास। तो देखिए इस सीरीज़ का मतलब भी यही है कि ढेर सारे लोग अपना रिव्यू शेयर करें, ताकि आपको पता लग सके कि मेजोरिटी ऑफ फूडीज़ का क्या मेजोरिटी रहती है। तो इसमें ये है कि ये जगह हो गई है पास, आप यहाँ आ सकते हैं, खा सकते हैं। वैसे भी जिनको भी ओके ओके भी लगा है वो ये कहते हैं कि वन टाइम तो है ही है। तो आइए खाइए, इंजॉय करिए, वापस आके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा।